गंगा दशहरा पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सबको हर हर गंगे। 2024 गंगा दशहरा कब पड़ रहा है, क्या इस दिन करना चाहिए, क्या इस दिन की विशेष महत्ता है, और अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या कहीं भी गंगा स्नान के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं घर बैठे, जिससे आप गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सके, इसी पर सविस्तार चर्चा करेंगे। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो निवेदन भी रहेगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ आपको अध्यात्म, ज्योतिष, तमाम पर्व और ज्योतिष वास्तु, इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आपको मिलते रहेंगी। देखिए, गंगा और गंगा का स्नान का महत्व या गंगा का अस्तित्व और महत्व हमेशा से आदिकाल से रहा है, लेकिन पर्वों का एक विशेष महत्व होता है, पर्वों में स्नान करने का एक विशेष महत्व होता है, और फिर ये गंगा दशहरा है। दस इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, हर व्यक्ति इनसे कुछ ना कुछ जाने या अनजाने में कुछ त्रुटियां, भूलवश, अज्ञानवश कुछ पाप कर बैठता है। गंगा दशहरा एक ऐसा पर्व है जो दसों रूप से, दसों इंद्रियों से किया हुआ कर्म क्या अकर्म हम इसको कह सकते हैं, पाप कह सकते हैं या अपराध कह सकते हैं, उसका हरण करने वाला पर्व है दशहरा, गंगा दशहरा। और इसको हरण करने की क्षमता, इसको इन पापों का शमन करने की क्षमता दशहरा में है, गंगा दशहरा में है। उसके लिए हमें गंगा स्नान का एक विशेष महत्व है। लेकिन कई बार हम लोग बाहर बैठे हैं, अन्य देशों में बैठे हैं, भारत में नहीं है, या गंगा से बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन तब भी हमारा मन छटपटाता है और हमारा मन कहता है कि हमें गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पा रहे समय परिस्थितियों में। ऐसी स्थिति में आप घर बैठे भी गंगा स्नान का महत्व, उस फल को ले सकते हैं। आपके पास गंगा जल है, आप अपने जल में मिला लीजिए, किसी कूप या ताला या आसपास कोई बहता हुआ जल है, कोई अन्य नदियां, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं, और गंगा का सिर्फ स्मरण मात्र कर लीजिए, क्योंकि सूक्ति कहती है, सूत्र कहते हैं, गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम् सुगच्छति। हजारों योजन दूर बैठकर भी कोई गंगा गंगा कहकर के हर हर गंगे करके स्नान कर लेता है तो उसको भी गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होगा, आपकी भक्ति और श्रद्धा इसमें जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आप इस दिन गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर के जल में भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, और वो भी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, आप इस धरा से दूर कहीं बैठे हैं तो गंगा का सिर्फ स्मरण मात्र करने से आपको ये फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए नियम बिल्कुल नहीं है जो गंगा के आसपास रहते हैं, जिनको सुलभ है, जो आ पा रहे हैं वो गंगा स्नान करें, और गंगा स्नान करने के साथ साथ आप दीप दान जरूर करें, यानी घृत का बनाया हुआ कोई दीपक आप जला करके कुछ पुष्पों के साथ माँ गंगा में समर्पित करें और प्रणाम करके हर हर गंगे करके आप उनको निवेदित करें। तो मित्रों, यह गंगा दशहरा का पावन पर्व जो हर प्रकार से आपके लिए मंगलकारी, शुभकारी हो, आप इस प्रकार से गंगा स्नान करें। स्नान के बाद जो भी आपको लगता है सामर्थ्य जो आपके अंदर है, जो भाव विद्यमान है, तो जो असमर्थ लोग हैं, असहाय लोग हैं, आप उनको कुछ दान में दे सकते हैं, क्योंकि स्नान के बाद दान का विशेष महत्व है। और फिर ध्यान आदि आप गंगा तट पे लगाएं, आप कुछ यजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, तो ये तमाम जो कुछ चीजें हैं जो आप गंगा दशहरा में विशेष करके आप कर सकते हैं। इस दिन उन चीजों का दान करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष लाभकारी माना जाता है, विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है, जो कि खासकर गर्मियों में काम आने वाली चीजें होती है, जैसा कि मटका है, सुराही है, कूलर है, फैन, पंखा है, आप ये सब चीजें दान में भी दे सकते हैं, किसी आश्रम में दे सकते हैं, किसी संस्था में दान दे सकते हैं, जहां पर आवश्यकता है, ये नहीं कि जहां पर बहुत कुछ पहले से पड़ा है आप वहां पर लुटाते रहे, नहीं, किसी योग्य पात्र को दे सकते हैं जिसको वास्तव में आवश्यकता है, तो आप उनको ये दान जरूर दीजिए। साथ ही साथ जो गर्मियों में हम लोग वितरण कर सकते हैं, फल हैं या फिर आप उस कोई जूस बना करके आप वितरण कर सकते हैं, किसी फलों का रस को आप वितरण कर सकते हैं, तो ये सब चीजों का एक विशेष महत्व है गंगा दशहरा पर, तो आप ये काम जरूर करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हर हर गंगे।